हरेला पर्व के अवसर पर देवभूमि में जगह जगह वृक्षारोपण किया गया। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने भी वन विभाग के अधिकारियों एवं नगर पंचायत अध्यक्ष और स्कूली बच्चों के साथ वृक्षारोपण किया। विधायक संजय ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन पर उत्तराखंड कई ऊंचाइयों को छू रहा है। बड़कोट में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम उत्तराखंड वन विभाग की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक और अधिकारीगण सहित स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। विधायक संजय डोभाल ने कहा कि उत्तराखंड की नींव ही पेड़ पौधों से है, देवभूमि की संस्कृति पेड़ों से है। हरेला पर्व से प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। ये हरेला पर्व हमारे पूरे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से या माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों से पूरे उत्तराखंड में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे उत्तराखंड की नींव ही पेड़ पौधों से है, और इससे ये होगा कि जो अभी तक अगर कुछ हमारे पेड़ पौधों की क्षति भी हुई है, तो उसको, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में चाहे हमारी संस्कृति हो या सांस्कृतिक या संस्कृति, सब कुछ पेड़ों के इर्द गिर्द ही है। तो ये निश्चित ही एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिससे हमारे प्रदेश को एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई पहचान मिलेगी, क्योंकि हर साल जब से माननीय युवा मुख्यमंत्री हमारे बने हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पे हर साल ही हरेला को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि इसके निश्चित ही बढ़िया रिजल्ट हम लोगों के सामने आएंगे। वहीं DFO मयंक शेखर झा ने कहा कि प्रदेश में हरेला पर्व का कार्यक्रम एक महीने तक चलता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पौधे हमने लगाए हैं वो सुरक्षित रहें, जिससे आने वाले समय में लाभ मिले। और मयंक शेखर झा ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में अभी तक 100 प्रजाति के पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रत्येक सेक्शन में 2 से 2500 पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। जानते हैं आज हमसे 16 तारीख से हरेला का शुभारंभ हो गया है, और ये कार्यक्रम जो है अगले एक महीने तक चलते रहेंगे। तो आज जिस क्षेत्रों को हमने चुना है, जहाँ पे माननीय विधायक जी भी हम लोग के साथ आज उपस्थित थे, ये हम लोग की प्लांटेशन के काफ़ी नज़दीक है क्षेत्र। तो इसके अंदर जो भी हम लोगों ने पौध लगाए हैं, उनका संरक्षण करने की जो हम लोग की क्षमता है वो पूरी रहेगी, और पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी पौध लगाए जाएँ वो सुरक्षित रहें। क्योंकि हरेला में, जैसे आप सभी जानते हैं, कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अलग अलग प्रजातियों के पौध लगाते हैं, उसके बाद उनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आने वाले सालों में जो भी हम लोग को इसके लाभ मिल सकते हैं वो मिले। आज हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर करीबन 100 पौध लगाए हैं, और इसमें मुख्यतः रूप से आपका रीठा, हिमल, देवदार और बांझ जैसे प्रजातियां जो हैं वो मौजूद हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।